हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं गाइज आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ गाइज आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे सब लोग भाई खैर खैरियत से होंगे। और गाइज आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, वो नए लोगों के लिए है और पुराने लोगों के लिए भी है जो लोग फूड डिलीवरी का भाई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड ना अपने पास बहुत सारे कमेंट आए थे, तो भाई उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले भाई लोग बोल रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं भाई, अपने पूछ रहे हैं कि आजाद वीजा में अगर भाई इंडिया से आए और ये काम यहाँ पे हम करें तो ये काम कैसा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, अगर हम यहाँ पे सवाग खास में हैं और अगर हम ये पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पुलिस वुलिस रास्ते में पकड़े भाई कोई खतरा नहीं, कफिल का कोई टेंशन नहीं, या जो लोग सवाग खास के उस पे हैं वो अपना ये काम करना चाहते हैं फुल टाइम, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं वीडियो पर आज इसी टॉपिक पे भाई आज आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं कि आप लोग भाई बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, तो कमेंट में भाई जवाब नहीं दे पाएंगे इतना लंबा, तो मैंने कहा इसके लिए भाई एक वीडियो ही बना दी जाए। तो भाई सबसे मेन चीज़ है, पहले सबसे जो यहाँ के लोग हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई कोई टेंशन नहीं होगी, आपके पास आईडी होनी चाहिए और पुलिस भी पकड़ेगी तो कुछ नहीं बोलेगी, आपके पास इकामा वैलिड है और लाइसेंस वैलिड है और वो आपको कुछ नहीं पूछेंगे कहाँ है। अगर आप उनसे पूछोगे ना हंगर स्टेशन, अगर जिसका काम करे हंगर है जाहिज, तो उसके अलावा वो कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं करेंगे भाई। वो अगर आपको रोकती भी है चेक पोस्ट पे, चेकिंग लगा के रखते हैं, हाथ दिया आपने रुका, उसके बाद पूछा हाँ तो बोल दिया भाई हाँ तो बोल दो हंगर स्टेशन तलब, उसके बाद वो उसके आगे नहीं पूछते हैं आपका, ज्यादा से ज्यादा एकामा मांग लिया या लाइसेंस मांग लिया, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। वो ऐसे यार वो एक परमानेंटली मतलब एक टेम्परेरी होता है उनकी जो अपनी वो होती है भाई, इनका जो प्रोसेस है वो टेम्परेरी तौर पे ऐसे मांगते चेक करने के लिए, हालांकि उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जो वो लोग फुल टाइम काम करना चाहते हैं भाई फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भाई सबसे मेन चीज क्या है ना, फुल टाइम पार्ट टाइम तो ठीक है, आईडी भी चलो ठीक है, आईडी तो आजकल यहाँ पे मार्केट में भाई बहुत सारे ऑफिस हैं, आप कहीं से भी आईडी ले सकते हो, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे भाई मेन दिक्कत है ना कि अपने पास यार बाइक का तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन फोर व्हीलर होनी चाहिए, लाजिम है। गाड़ी कितनी भी पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी पुरानी से कोई दिक्कत नहीं, मॉडल कैसा भी हो, लेकिन जो भाई गाड़ी हो ना अपने पास ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि रेंट पे अगर हम गाड़ी लेके चलाएंगे तो आजकल काम इतना नहीं है कि भाई हम पूरे दिन अगर मेहनत करें और उसके बाद में भाई अगर 1500 बचे तो उसमें भाई कोई फायदा नहीं, 1000 रुपया बचे तो कोई फायदा है नहीं पूरे दिन मेहनत, क्योंकि जितना हम कमाएंगे वो हमारे तेल और गाड़ी के रेंट में ही निकल जाए। तेल तो भाई 1500-1550 रियाल का तो हमारा जाता ही जाता है, और प्लस में 1500 रियाल 1600 रियाल रेंट पे भाई गाड़ियां मिलती, 3000 रियाल तो इसी फोकट में चला जाएगा, तो 1200-1500 बचने का कोई फायदा नहीं, कम से कम 1000-2500-3000 बचे भाई तब तो ठीक भी है, तब तो टेंशन नहीं है, लेकिन भाई अगर इससे कम बचे ना तो रेंट पे गाड़ी लेके भी सरदर्दी अलग होती है, कहीं गाड़ी वो हो जाए एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कुछ भी हो जाए तो भाई उसमें टेंशन होती, तो रेंट पे भाई मैं गाड़ी लेके नहीं कहूँगा। उसमें जो है ना गाड़ी अपने को ऐसी चाहिए जो चलती रहे, ये नहीं कि भाई आधे रास्ते में दिक्कत हो जाए, बाद में अपने को दिक्कत हो सकती, तो गाड़ी ठीक ठाक सी हो और काम कोई सा भी भाई, कोई से भी लोग हो भाई, यहाँ पे रियाद में सऊदीया में कहीं भी हो, आजकल भाई देखा जाए ना तो अगर फूड डिलीवरी की आईडी जो है सबसे आसान आईडी, जो सबसे आसान आईडी है ना वो मेरे हिसाब से भाई सऊदीया में मिलती है, और तो भाई कहीं दुबई वुबई कहीं घूम आओ वहां भी भाई आईडी लेने के लिए पता नहीं बंदे क्या क्या करना पड़ जाता है, यहाँ कोई भाई मैं अपना जाओ एकामा दो और लाइसेंस दो आईडी लेके चले आओ, अगर वो भी भाई नहीं है तो जाओ थोड़ा मोड़ा पैसा दो आप आईडी खरीद के काम कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये काम करना अभी बहुत आसान है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता अभी ये तो भाई हम लोगों को नहीं पता है, जो भी होगा देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही हो, क्योंकि आने वाला टाइम भाई आजकल देखा जिस हिसाब से चल रहा है ऐसा लगता है कि भाई आने वाले टाइम में ये लोग अपने ही कंपनी में अपने अलग अलग तरीके के सरीके बना रखे हैं, किस नाम से तमाम नाम से, अब तो नून वाले भी इस मैदान में भाई कूद चुके हैं, तो सबका अपना अलग अलग है, तो इससे क्या है नहीं लोग अपने कंपनी के बंदे बुलाते हैं फिर आगे चल के कैसा हो कैसा ना हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में भाई कोई टेंशन नहीं होने वाली, जब तक आईडी चलती है आप चलाओ। और जो लोग भाई आजाद वीजा में बात करते, जो इंडिया से कहते हैं मैं आके काम यहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे आप कोई सा भी भाई काम, मतलब नए लोग नहीं पुराने लोग के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही है कि यहाँ पे अपना बैक मजबूत हो भाई, यहाँ पे बैक एंड ना मजबूत सऊदीया में, क्योंकि आने के बाद आपको यहाँ पे अगर बिल्कुल नए बिल्कुल नए लोगों के लिए भाई ये नहीं है, ठीक है, नए लोग के मतलब ये हुआ भाई सब कुछ अपने जेब से जाएगा, ठीक है, पैसा लाइसेंस का पैसा, एकामे का पैसा, रूम का, खाना खर्चा, बहुत टाइम लगेगा,
और जो पुराने लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वहाँ वो एक बार की अपना ये काम आके कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से भाई कोई दोस्त यार है, चलो उनकी गाड़ी ले ली, अपना 2-4-6 महीना ले लिया, उनके पास अपना लाइसेंस भी है, कामा भी है, और या पुराने जो लोग दोबारा से नए बीजे पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई यहाँ पे अगर होगा दोस्त यार हो गए तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नए लोगों के लिए बिल्कुल अनजान भाई, ना कोई दोस्त यारी, उसके लिए भाई अपने पास ये होता है कि या तो किसी कंपनी में काम करो और थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा करो, फिर एज ए पार्ट टाइम ये काम करके स्टार्ट करो भाई, उधर से भी करो इधर से भी, तो इसमें कमाई भी अच्छी होती भाई। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो, थोड़ा मोड़ा, मतलब ये नहीं आते के साथ ही 8 घंटे ड्यूटी करके काम करना, थोड़ा मोड़ा अपना कामा लाइसेंस अगर तब बनवा लो, उसके बाद में ये काम जब स्टार्ट करोगे तो आसान होगा। आसान इसलिए होगा, 8 घंटे ड्यूटी उधर कर ली, 2000 रियाल का उधर से काम कर लिया, अगर कहीं पार्ट टाइम मतलब कहीं कंपनी उपनी लग गई आजाद वीजा में, चलो कोई दिक्कत नहीं, और 1000-1500 का इधर से काम कर लिया, थोड़ा मोड़ा अपना हो जाएगा। लेकिन गाड़ी अपनी होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, इस ग्रेंट की गाड़ी में आजकल फायदा नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा फायदा इसमें है भाई, जो लोग कंपनी से आके यही काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आते हैं और इसमें काम करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा, काफी बचत हो जाती है, तो ये है भाई। और जो लोग भाई सोच रहे थे करने के लिए, तो आप लोग भाई जरूर एक बार माइंड में रखिएगा, क्योंकि ऐसे फायदा नहीं है, अगर अपनी गाड़ी है और तब करने में फायदा है, और आजाद भी जब तो आके नए लोग ले तो भाई बिल्कुल ही नहीं, इससे अच्छा आप डायरेक्ट हंगर स्टेशन या जितनी भी फूड डिलीवरी वाली है इस टाइम पे यहाँ पे चल रही है भाई, मतलब जितनी भी है आजकल नए नए नाम, नई नई कंपनियां आई है, इसमें आके करोगे तो उसमें ज्यादा फायदा है। लेकिन आजाद में भाई कोई फायदा नहीं, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा अपना सही है, इधर उधर से कर लेंगे भाई, लेकिन नए लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। तो बाकी जो यहाँ लोग रहते हैं भाई, जितने भाई अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भाई कोई दिक्कत नहीं, बिंदास है, काम करो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कामा लाइसेंस अपना होना चाहिए, आईडी भी कोई, लेकिन पार्ट टाइम में मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए भाई सबके लिए सबसे बेहतर होगी जाहेज की आईडी। अगर पार्ट टाइम किसी को करना है ना, तो सबसे बेस्ट है भाई जाहेज, जाहेज का सबसे बेटर है, हंगर का नहीं। हंगर वंगर में थोड़ा सिस्टम अलग पड़ जाता है, हंगर में भाई जिसके लिए फुल टाइम हो ना, उसके लिए बेस्ट है हंगर में, उसमें कमाई अच्छी है। लेकिन पार्ट टाइम में भाई जाहेज में सबसे बेस्ट है, जाहेज में 2-3-4 ऑर्डर अपना कर लिए, अपना कोई टेंशन नहीं, बिंदास यार। तो ये है मेरा कहने का मतलब, ये भाई जिनका जिनको अगर पार्ट टाइम करना है तो जाहेज में करें, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बेस्ट रहेगा। और हंगर में क्या है, हंगर में फिर ऑर्डर का इतना मसला हो जाता है, फिर एरिया, जाहेज में कहीं भी चले जाओ ऑर्डर मिलते रहेंगे, इसमें दूसरे उस एरिया में चले गए फिर जल्दी ऑर्डर ही नहीं मिलते, सबसे मेन चीज ये है। तो उम्मीद है आप सबको भाई ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर जिन भाई को भाई समझ में नहीं आई है तो वो भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग भाई, मैं लिंक हमेशा नीचे दे के रखता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे हमें से मतलब डायरेक्ट मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस यार कभी कभी कॉल उठाने में भाई दिक्कत होती है, क्योंकि काम में इतने बिजी होते हैं ना, आजकल ऐसे भी फैमिली आई हुई थी भाई की, तो थोड़ा अभी उसमें बिजी चल रहे हैं, तो इसलिए भाई नहीं इतना हो पा रहा है। इंशाल्लाह जब फ्री होते हैं फिर सबके भाई कमेंट के जवाब देंगे। बाकी आप सबको भाई वीडियो समझ में आनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नहीं समझ में आई तो भाई मेरा बनाने कोई फायदा नहीं है। तो बाकी जो भी होगा आप लोग भाई कमेंट करिएगा, बाकी मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही भाई नॉलेज वाली वीडियो में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।